प्रोडक्ट के दाम बहुत बढ़ गए हैं, सबके मन में एक ही सवाल है। और जो 100 PB से कम से ज्वाइनिंग हुए हैं उनका क्या होगा, तो मैं सब बताऊंगी। ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नाजिरा जैन। प्रीफर्ड कस्टमर कंपनसेशन यानी पर्सनल रेफरेंस, डायरेक्टली आपकी पर्सनल रेफरेंस पे ये आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए आप आते हैं और आपके लेफ्ट में और राइट में आपका रेफरेंस जाता है, यानी फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस। आप अगर 200 PB करके आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो पर PB 1 रुपये, यानी आपको लेफ्ट में 200, राइट में 200, आपको 400 रुपये मिल रहा है। ऐसे करके आपको 6 बार डायरेक्ट रेफरेंस से पैसा मिलेगा। तो आप 100 PB में ज्वाइनिंग कराते हो तो भी 1 रुपये करके, 200 PB में ज्वाइनिंग कराते हो तो 200 PB के ये भी 1 रुपये करके मिलेगा। प्रीफर्ड कस्टमर कंपनसेशन ये भी डायरेक्ट रेफरेंस से ही आपको मिलेगा, यानी पर्सनल रेफरेंस है। तो ये पर्सनल 3rd नंबर, 6th नंबर और 9th नंबर रेफरेंस से आपको मिलेगा। ये 3 बार मिलेगा। बुलसा इनकम या बूस्टर इनकम बोल सकते हैं। यहाँ कितना मिल सकता है, यहाँ पर 9000 मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9000। यहाँ पर हर 1 PB मतलब 22 रुपये करके, तो आप कैलकुलेशन करके ये कर सकते हो। मगर यहाँ पर कंपनी एक एक चीज़ कर दिया कि 200 PB या 100 PB में ज्वाइनिंग होना आपका ज़रूरी है 2 अक्टूबर के बाद। और एक चीज़ जो है, आपका लेफ्ट में और राइट में जो मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जो है जो आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी 200 PB में आपको ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, तभी आप 3rd नंबर जो बुलसा इनकम है आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। और 9000 से भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो अब कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से कर ले, क्योंकि ज़्यादा अगर होगा तो वो कहीं भी काउंट नहीं होगा, तो आपको नहीं मिल सकता है। टीम यहाँ पर देख सकते हैं, लीडरशिप रैंकिंग कंसिस्टेंसी रिवार्ड, यानी अपना खुद का जो आप खुद पर्सनल परचेस कर रहे हैं, जैसे कंपनी में दिया 5 PB करके, अगर ब्रॉन्ज लेवल जो जो रैंक में है उस रैंक का एक एक लेवल का कितना PB लेना है PDF में है। तो आप यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ब्रॉन्ज लेवल से, ताकि समझने में आसानी हो। ब्रॉन्ज लेवल पे जो है उसको क्या है 5 PB करके लेना है। तो किसी मंथ में 6 PB लिया, जैसे सितंबर में 6 PB, अक्टूबर में 5 PB, नवंबर में 7 PB, दिसंबर में 5 PB, जनवरी में 5 PB, टोटल हो गया 28 PB आपका। तो 28 PB लेने में कितना कही कि जैसे सितंबर में 800 रुपये, अक्टूबर में 600, नवंबर में 900, दिसंबर में 500 और जनवरी में 500, टोटल मिला के 3350 रुपये, यानी 28 PB लेने में 3350 रुपये लग रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, 5 महीने को डिवाइड करके जो मिल रहा है, यानी 670 रुपये 6th मंथ जो होता है आपको, जो वो 6th मंथ का 670 रुपये आपको मिल रहा है। जब आप परचेस करेंगे तब आप वो 670 रुपये के और कुछ परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं तो कम से कम 20% कंपनी हमको इसका बोनस दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का, मेरे भी मन में सवाल था कि इसका प्रोडक्ट का दाम थोड़ा ज़्यादा है। जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो देखा नहीं, इससे कोई किसी किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी किसी में एकदम कम ही कम है। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। सभी को ये लग रहा था कि प्रोडक्ट के दाम क्यों ज़्यादा, रिपर्चेस के प्रोडक्ट के दाम क्यों ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहूँगी कि नहीं, दाम ज़्यादा नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम कम भी हो गए हैं। तो क्या कर रहे हैं कंपनी, हम लोगों को 5 महीने लेने पर यहाँ पर परचेस रिपर्चेस करना पड़ा, और 6 महीने का जो 6ठा महीना होता है वो हम लोगों को बोनस के रूप में दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, यानी 5 महीने के डिवाइड करके 6ठा महीना दे रहे हैं। तो
ये जो छठा महीना 20% तो मैं 5 महीने का नहीं करके मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ये 20% लेस करके समझाने की कोशिश किया, क्योंकि थोड़ा सा करने में सबको समझ में भी आएगा और मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर नोनी नोनी कितने पहले कितने रुपए में मिलता था, 850 रुपए के आसपास यहाँ पर मिलता था, तो अभी कितने रुपए में मिल रहे हैं आप देख सकते हैं, 1830 रुपए में यहाँ पर MRP है, मतलब SSP है, यहाँ पर हमको लेना पड़ रहा है। फिर अगर 20% यहाँ पर लेस करते हैं तो 366 रुपीज़ यहाँ पर लेस होते हैं, और इसका प्राइस कितना हो जाता है कि 1464 रुपये। अब 1464 रुपये के 2 डिवाइड करने से एक नोनी का आपको 732 रुपये पड़ रहा है। तो पहले कितने रहे, 850 रुपये में हम लोग खरीदते थे, अभी कितना हो गया, बोनस मिलेगा तो इतना कम हो गया, तो कम तो हो गया। अभी कॉफ सिरप का, पहले क्या 100 रुपये करके कॉफ सिरप मिलते थे, अभी क्या है देख सकते हैं 245 रुपये, यानी बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं 49 49 रुपये यहाँ पर कम, 20% लेस करने से ये होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में देखिएगा 196 रुपीज़ दोनों कॉफ सिरप का दाम हो रहा है, यानी इसको डिवाइड करेंगे 2 दे के तो 98 रुपीज़, एक का 98 रुपीज़, यानी कम हो गया दाम। और यहाँ पर जो है 3 टूथपेस्ट का यहाँ पर प्राइस है 365, यहाँ पर 20% अगर लेस होते हैं तो 33 रुपीज़ लेस होता है। और यहाँ पर कैलकुलेट करके 292 रुपीज़ यहाँ पर तीनों टूथपेस्ट का मिल रहा है। तो एक एक टूथपेस्ट का अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक एक टूथपेस्ट का होता है 97 रुपीज़ समथिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, मगर जितना बड़ा लग रहा है उतना नहीं है।